Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and CN Making. This is module number 145. And now we are going to talk about everyday emotional intelligence. And in this everyday emotional intelligence, we're going to talk about writing resonant emails. When we talk about writing resonant emails, we have to be careful. Que email is a phenomena. Email is a, is a official perspective. पर्टिकुलरली आप नॉन वर्बल क्यूज को उस तरह से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते जिस तरह से आप फेस टू फेस कन्वर्टेशन में वो डेमोन्स्ट्रेट करते हो सो द लैंग्वेज एंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल जब हम रेजोनेंट ई मेल की बात करते हैं तो सपोजिटली दिस इज अंपल ई मेल विच इज पोस्टेड बाई थिंक अबाउट समथिंग

वो क्या चीज है जिसके ऊपर द ओनली रिप्लाई हैव गॉट इज नो जबकि हमने जो बात भेजी थी इट वॉज okay? so हम कोई मेल सेंड करते हैं जब कोई पैगाम सेंड करते हैं तो दूसरा शख्स उस पैगाम को कैसा परसीव कर रहा है और उसका रिप्लाई इस बात का एविडेंस होगा कि आपका पैगाम क्या सही तौर पहुंचा नहीं पहुंचा और आपका जो पैगाम है उसके अंदर ये मैसेज पूरा कैरी होना चाहिए कि अदर जो उसको डी करे आपके उस भेजे हुए पैगाम को आपके उस मैसेज को वो डी कोड भी सही तरीके से कर सके Because इस पर्टिकुलर केस में जहां पर एक तवील ई के जवाब में यू आर ओनली गेटिंग अ बिग नो आपके जहन में डिफरेंट सवाल आ सकते हैं और वह सवाल यह हो सकते हैं कि क्या वो शख्स गुस्से में था कि उसने ऐसा रिप्लाई किया एक ज़हन में ट्रिगर पॉइंट आ सकता है कि क्या वो उस ईमेल से नाराज़ हुआ एक ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वो बहुत बिजी था कि उसने एक जुमला भी लिखना गवारा नहीं किया ये भी ज़हन में थॉट आ सकती है कि क्या कोई और वजह थी जो कि हम नहीं जानते कि हमारी एक पूरी तवील ईमेल के जवाब में द पर्सन इज ओनली सेइंग नो सो वी हैव टू बी केयरफुल हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं उस बारे में भी और जब हम किसी चीज को रिप्लाई कर रहे हैं उस चीज के बारे में भी हमारा सही कंडक्ट वो क्या होना चाहिए सो द राइट वे इज कि आप अपने व्यू पॉइंट को एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बजाय मुकम्मल तरीके से इजहार में लेकर आ सको बिकॉज याद रखिएगा कि जो ई है इन पर्टिकुलर वो कोई इमोशंस कैरी नहीं कर रही ईमेल में बहुत से आपके नॉन वर्बल क्यूज प्रेजेंट नहीं हैं जो कि अदरवाइज एक इमोशनल कन्वर्सेशन में मौजूद वो हो सकते हैं सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमारे ईमेल का लैंग्वेज उसमें हमारे अल्फाज का चुनाव उनका एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग कहां पर आप वर्बल इंटोनेशन यूज कर रहे हो कहां पर आप चीजों को बोल्ड कर रहे हो टायलैक्ट कर रहे हो अंडरलाइन कर रहे हो ये तमाम चीजें आपकी बात के मतलब को वो चेंज कर रही होंगी और उस मतलब के साथ साथ आपका जज्बा भी उसके अंदर वाजिया हो रहा होगा डियर स्टूडेंट याद रखें कि प्रोफेशनल डीलिंग में वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल हमें यह देखना होगा कि हम किस चीज को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं अब चाहे वो एक ईमेल रिप्लाई हो या एक मीटिंग एनवायरनमेंट हो आपके अल्फाज आपका अंदाज ये दोनों चीजें आपके मतलब को चेंज वो कर सकते हैं थैंक यू